पेरीमीटर ऑफ द सेमी पेरीमीटर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट थिंग क्या फाइंड आउट करनी है आपको? हाइट ऑफ द ट्रायंगल। हाँ जी बच्चे, कौन बताएगा हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हु विल टेल मी? सर हाँ, हाँ फिर बेस इनटू हाइट जी, कौन बता रहा है बेटा? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, हाँ जी बच्चे, एक खड़े हो जाइए आप, येलो शर्ट। हाँ जी, सर। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसका फार्मूला होता है बेटा? ये सर राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा हमारे पास तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल फिर सर कैसे करें? सिट डाउन। एनीवन एल्स? सेक्शन सी से कौन बताएगा बच्चे? एनीवन? देखिए बेटा कैसे करेंगे ये, हमारे पास एरिया का एक फार्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज क्लियर, यस और नो? यस नाउ हाइट वी हैव टू फाइंड दिस हाइट, दिस इज एच, नाउ दिस विल बी योर बेस, एंड एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। व्हाट इज द एरिया? 20 अंडर रूट 2 मीटर व्हाट इज बेस? स्क्वायर 15। कैन वी फाइंड हाइट नाउ? यस इज डू इट। बच्चे स्टॉप टॉकिंग। नाइन्थ ए, सेकंड बेंच, येलो शर्ट एंड पर्पल शर्ट, आ जाओ जरा आगे दोनों, कम फास्ट। हाँ जी, क्या किया बेटा आपने? माइक ऑन करो, थोड़ा इधर आ जाओ, कैमरे में नजर आए। हाँ जी बताइए, क्या क्वेश्चन था? इसमें हमने हाइट हाइट फाइंड करनी है, कर अच्छा, कर दिया आपने हाइट फाइंड? रहे हैं। गप्पे मार रहे थे बेटा आप तो। बच्चे नो सर, नीचे पेन गिर गया था, वो मांग रहे थे। पेन गिर गया था या कुछ और गिर गया था? थोड़ा नो सर, नीचे गिर गया था पेन। इधर आ जाए जरा कैमरे, मेरे को शक्ल तो नजर आया आपकी। हाँ बेटा, मैंने जाने के लिए नहीं बोला बच्चे आपको। हाँ जी बताइए, सर क्या किया आगे? जरा जरा सॉल्व करके बताओ मुझे जरा। अच्छा, नाइन सी सेकंड बेंच, रेड शर्ट और उसके साथ व्हाइट शर्ट। हाँ, स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। हाँ जी, हो गया बेटा, बताओ जल्दी से क्या आंसर आया? नहीं, इतनी लंबी कैलकुलेशन है क्या? हाँ जी बच्चों,
कैलकुलेशन इतनी लंबी है जो टाइम लग रहा है इतना। यस स्टूडेंट प्लीज टेल मी। देखो बेटा इतनी देर लगाओगे तो हम फिर आज क्या करेंगे, दो ही क्वेश्चन करने हैं क्या? इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई और 15 डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चे। 5 3 जा 5 4 जा, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? √2 / 3। राइट, मतलब 30 सेकंड के क्वेश्चन में आपने 10 10 मिनट लगा रहे हो आप। सिट डाउन बेटा। हाँ जी, इसके 3 ही पार्ट थे बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। असर्शन रीजंस आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन रीजन, हीरोन्स फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस। ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। बच्चे 9C क्या प्रॉब्लम है फर्स्ट बेंचर्स? ये कॉन्टिन्यूसली यू आर टॉकिंग टॉकिंग एंड टॉकिंग। फर्स्ट बेंच येलो शर्ट बेटा, आप क्या असाइनमेंट पढ़ रहे हो कुछ और पढ़ रहे हो? नेक्स्ट जी रीजन, ए डिनोट्स द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए, बी अपोजिट टू वर्टेक्स बी एंड सी अपोजिट टू वर्टेक्स सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इज दिस True, करेक्ट? ट्रू। true, इज दिस द ट्रू एक्सप्लेनेशन? no, नो। राइट, दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट बी रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो हेंस विट विल बी द चॉइस बी चॉइस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ द हीरोन्स फॉर्मूला, इज इट ट्रू? हाँ जी, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, इज इट ट्रू? व्हाइट शर्ट 9C सेकेंड बेंच। मैम प्लीज चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम टू दिस गाय, ही इज डिस्टर्बिंग द एंटायर क्लास। जस्ट स्टैंड अप एंड गो टू द लास्ट बेंच। क्या हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही तो साथ वाले से बातें करोगे आप? एंड शोइंग द एटीट्यूड, जस्ट स्टैंड अप एंड गो बैक। मैम इज देयर इश्यू रिगार्डिंग द वॉइस? टीचर इन सेक्शन 9C। मैम इज देयर सम इश्यू विद द वॉइस? बिकॉज देयर इज नो प्रॉब्लम इन अदर टू सेक्शंस। Your voice is not properly audible. बेटा बट अदर टू सेक्शन इट इज एवरीथिंग इज क्लियर, देन यू नीड टू चेक आउट योर माइक एंड अदर सेटिंग्स। Your voice is not clear, so that's why we can shift this class to A and B. Fine. Okay. राइट मैम, राइट Yes. Shift to 9A and 9B.
यस, शैल वी स्टार्ट मैम? एवरीबडी सेटल डाउन? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन सेकंड, एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इन द हीरोज फार्मूला। दिस वी हैव डन। हां जी, एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इन द हीरोज फार्मूला ट्रू है बेटा ये। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। दिस आल्सो ट्रू। इज दिस अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन? नो, राइट बच्चों, राइट। थर्ड क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 24, 14 एंड 12 एंड इट्स पेरीमीटर इज 510 मीटर, देन द ग्रेटर साइड इज 250 सेंटीमीटर। प्लीज सॉल्व दिस बच्चों। प्लीज फाइंड आउट द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो 24:14:12। प्लीज डू इट फास्ट। हाँ जी, 9B लास्ट वेंचर्स, आवाज आ रही है आपको? अब 9B में जो पीछे आए हैं बच्चे, सबसे लास्ट बेंच, दैट व्हाइट शर्ट एंड ऑल, आवाज आ रही है सबको बेटा? इफ यस देन रेज योर हैंड्स नाउ। डू द क्वेश्चन फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन करके फटाफट आ जाओ 2 मिनट में मेरे पास, लास्ट बेंच वाले। हाँ हाँ जी बच्चे, फाइंड कीजिए जल्दी से साइड्स। रेशियो इज गिवन 24। एंड पैरीमीटर इज, हाँ जी बच्चे, हो गया क्वेश्चन? यस यस, आ जाए बेटा 9B वाले लास्ट बेंच, सारे आ जाओ, ऑल 6 स्टूडेंट्स आ जाओ, जरा आगे आओ जल्दी, बताओ जरा क्या किया आप लोगों ने। कम फास्ट, हाँ जी बेटा, हो गया क्वेश्चन? अब आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? यस, माइक ऑन करके बोलो जरा, अरे आ रही है? क्या क्वेश्चन किया बेटा आपने? अच्छा सर, पहले हम ये रेशियो में उनके साथ एक्स लगा देंगे। लगा जी, लगाया है, लगा देंगे या लगा दिया है? दिया साइड कितनी आई मुझे बताइए जरा, साइड्स। साइड। हाँ जी, साइड्स की लेंथ आ गई है, यस, बताइए क्या क्या आई है, बोलो बेटा। एक मिनट। फिफ्टी 50 कैसे आई बेटा? 50 क्या आया है? व्हाट इज 50? करके अच्छा, इनकी रेशियो प्लस करके आ गया, ठीक है बेटा, मीन्स पैरामीटर बन गया ना वो भी। को। हाँ जी, इक्वल टू 510।
टू 510 50x इक्वल टू 510 आ गया। आगे बोलिए। हाँ सर, फिर एक्स इधर रह जाएगा 510 डिवाइडेड बाय 50, ओके, तो क्या वैल्यू आ गई एक्स की बेटा? बच्चों एक्स की वैल्यू सर। स्टॉप टॉकिंग बेटा, स्टॉप टॉकिंग। हाँ जी आगे क्या करेंगे बेटा? सर इन्हें कैंसिल कर देंगे दोनों को, 5 1 5। अच्छा जी कितना ये आएगा? 5 1 5 के बाद बताइए बेटा आगे। ओके 5 10 10 आगे। ले सर, आगे 10.2 बोलो बेटा। सर, 10.2 आएगा। 10.2 आएगा, तो ग्रेटर साइड कितनी आएगी बेटा? व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट साइड? ग्रेटेस्ट साइड 24 रेशो सबसे बड़ी है बेटा, तो यस ग्रेटेस्ट साइज भी यही होगी। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना आपने बेटा ये मल्टीप्लाई करके? ठीक ये नहीं गया सर। है नेक्स्ट स्टूडेंट को आने दो, आप जाओ नेक्स्ट स्टूडेंट कम। हाँ जी बेटा आपने क्या किया है? करना सर मल्टीप्लाई करना है अभी है उससे पहले का सारा कर दिया। तो यस। ये बेटा हमने इनको ऐड क्यों किया? सर साइड निकालने के लिए। साइड निकालने के लिए। क्या चीज है बेटा ये? ये यस क्या चीज है, क्यों इनको ऐड किया? साइड निकालने के लिए तो किया है, बट व्हाई? रीजन पता है इसका? चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ जरा। इसको इसलिए बेटा ऐड करते हैं, जब आपने कॉमन रेशियो एक्स लिया है तो ये मल्टीप्लाई करके साइड्स आ गई है। दीज आर द साइड्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो सारी साइड्स को ऐड करके पेरीमीटर बन रहा है। तो दिस इज आल्सो पेरीमीटर, दिस इज आल्सो पेरीमीटर, दैट्स व्हाई वी हैव मेड देम इक्वल। चलिए जल्दी से वैल्यू निकालिए जी। वैल्यू निकाल के हमें ये तो पता चल रहा है ना कि इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी 250। 250 आ रहा है बेटा आपका, ये इज द ग्रेटेस्ट साइड 250, यस और नो? हेलो कितना आगे सर, मल्टीप्लाई करके इसको बेटा? हाँ जी कितना आया? ये आ रहा है 244.8 मीटर्स, राइट, यस विच इज नॉट इक्वल टू 250। हेंस हेंस द आंसर इज। अच्छा अदरवाइज भी अगर आप देखो तो क्वेश्चन के अंदर 510 मीटर गिवन है और 250 सेंटीमीटर गिवन है, तो दैट विल नॉट बी इक्वल एनीवे, राइट? सो असर्शन इज फॉल्स। रीजन सेमी रीजन क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सो इज दिस ट्रू? आ जाओ बच्चा आप बताइए जरा, जो नेक्स्ट स्टूडेंट जिनको मैंने बुलाया था, कम पीछे छुप के खड़े हो गए। हुआ तो है बेटा सेमी पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? सेमी यस सर, पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? पेरीमीटर सर पेरीमीटर ओवर टू डिवाइडेड बाय टू। ठीक है बेटा, जाइए आप नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए जरा आगे। हाँ जी बच्चे असाइनमेंट है आपके पास? यस बेटा फोर्थ क्वेश्चन है असर्शन। इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड वेयर साइड्स आर 91 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर एंड 105 सेंटीमीटर इज दिस, देन द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ये तो सॉल्व करेंगे, आप जाके सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। ऑल ऑफ यू गो बैक एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन।
जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। ये अभी जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन जो अभी केस स्टडी की थी ना बेटा। तो यहाँ पे आपको साइड्स गिवन है 91 सेंटीमीटर, 90 मींस आपका जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ना बेटा ये, तो बेस विल बी 98 सेंटीमीटर। सो यू हैव टू फाइंड दिस हाइट, सॉरी लॉन्गेस्ट साइड इज 105। प्लीज डू इट बच्चों। एवरीथिंग इज गिवन, आपको दोनों फार्मूला से एरियाज को इक्वल करना है। हो गया बेटा, किस किसने कर लिया प्लीज रेज योर हैंड्स। वन स्टूडेंट ओनली, नो वन फ्रॉम सेक्शन ए, जो बोला क्लास ए नजर आ रही है। व्हेन आई एम सेइंग सेक्शन ए, तो अभी जो सेक्शन ए में सारे बच्चे प्रेजेंट है दैट। व्हेन आई एम सेइंग सेक्शन बी, ऑल द स्टूडेंट प्रेजेंट वेदर दे आर फ्रॉम सेक्शन बी और सेक्शन सी, राइट। हाँ जी, सेक्शन ए में अभी किसी ने नहीं किया। इतनी लंबी कैलकुलेशन तो नहीं है बच्चों। यू नीड नॉट टू फाइंड एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला बिकॉज एरिया इज ऑलरेडी गिवन। एरिया फाइंड करने मत बैठ जाना बच्चों, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। एरिया की वैल्यू पुट कीजिए, बेस की वैल्यू पुट कीजिए, हाइट आ जाएगी बेटा। ओह माय गॉडनेस, इतना टाइम लगाओगे आप लोग। ये लीजिए बच्चों, अब तो कर लो। सेक्शन ए फ्रंट बेंचर, बोथ ऑफ यू हैव डन, यू आर टॉकिंग कंटिन्यूअसली रेड एंड ब्लू। यस बच्चे अगर आपने कर लिया, दिस डजंट मीन ना कि यू हैव द राइट टू टॉक। डू यू हैव? हाँ जी, लास्ट वाले दो रेड शर्ट वाले स्टूडेंट वापस भेजे थे ना मैंने कैलकुलेशन करने के लिए, वापस आ जाओ दोनों बेटा, सेक्शन बी में जो लास्ट बेंच पे बैठे हुए हैं। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ बेटा आप दोनों, करने के लिए भेजा था ना आपको क्वेश्चन। आ जल्दी आ जा बेटा, रेड शर्ट बोथ।
बच्चे चीटिंग बाद में कर लियो, जल्दी आ जा अभी जरा। रेड शर्ट कम फास्ट, मैम इनको रेड शर्ट वाले को भेजो जरा, बेचा जो लास्ट में बैठा हुआ है। आ जा बच्चे जल्दी आ जा। इतना लंबा रास्ता ट्रेवल करना है आपको? टीचर प्लीज चेक व्हाट दे आर डूइंग स्टिल। जल्दी से आ जाओ माइक पे बेटा, उसको रेड शर्ट को भेजो जरा बेटा पहले। सर अभी सॉल्व कर रहे हैं इतनी देर से क्या कर रहे थे आप? सर, वो पीछे कर मैम प्लीज सेंड देम आउट ऑफ द क्लास। हाँ जी बाकी बच्चे आ जाइए जरा। सर। रेड शर्ट वाला वो जो सरदार जी है उसको भी। हाँ जी बच्चे आवाज आ रही है अभी आपको मेरी? व्हाई यू आर लाफिंग? यस सर, आपको मैंने इतनी बार बोला आने के लिए, व्हाई यू आर नॉट कमिंग? हैव यू डन द क्वेश्चन? अभी कह रहे हैं यू जस्ट गो आउटसाइड द क्लास। ऑल अदर्स? हाँ जी बच्चों हो गया क्वेश्चन आप लोगों का? हाँ जी क्या किया इसके बाद? 411 4 1 1 2 divided by 105 इतना आया इसको सॉल्व करके बच्चों। 8232 divided by 105 जो ये हमें कैलकुलेट करना था 78.4 आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है चेक कर लेते हैं बेटा। 116 into 2 105 = h। हाँ जी सबसे पहले कटिंग कहाँ पे हुई? कटिंग हो रही है बेटा इसकी थ्री पे हो रही है, थ्री सर पे हो रही है बच्चे। 3 1 3, 3 3 9। इज इट क्लियर? यस और नो? यस डिवाइड बाय 35। हाँ जी आप डिवाइड करके कितना आ रहा है? 7 पे हो रहा है। 7 इज 21 64। यस 7 पे भी कटिंग हो रही है बेटा। 7 3 21, 7 9 63, 7 2 सो दिस कम्स आउट टू बी 78. फोर सेंटीमीटर सो दिस इज करेक्ट। सेम दिया है सर, उसमें सर मीटर में दिया है। अच्छा, वहां पे मीटर में है, यहाँ पे वैसे तो आइडियली इट शुड बी सेंटीमीटर। एनीवे तो हम इसकी चॉइस के हिसाब से चलते हैं, देन इट इज फॉल्स राइट। ये तो फॉल्स हो गया बेटा, और रीजन में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सो दिस इज ट्रू, सो चॉइस विल बी डी राइट बच्चों। डी चॉइस आ जाएगी ना बेटा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज देखिए बेटा, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 7 9 एंड 14 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, जल्दी से फाइंड आउट कीजिए बेटा, प्लीज डू इट फास्ट बच्चों। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज डू इट। सेकेंड बेंच सेक्शन ए पर्पल,
यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो आउट बेटा? बच्चे मैं जहां जहां पे खड़ा हूं ना, मुझे सारे बच्चे बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं, ठीक है? किसी को अगर ये लग रहा है ना कि हमें सर देख नहीं सकते, इतनी भीड़ में नहीं पता चलेगा, सो एवरीवन इज फुली क्लियर, मतलब क्या कर रहा है, उसका पेन मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, सामने उसके असाइनमेंट रखी है, कुछ और रखा है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। हाँ जी, सेक्शन ए, थर्ड बेंच, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, ब्लू शर्ट गर्ल, व्हाई यू आर नॉट डूइंग एक्सट्रीम लेफ्ट? हाँ जी बच्चे, क्यों नहीं कर रहे हो आप क्वेश्चन? आ जाओ आगे, आ जल्दी से। हैव यू डन इट? माइक ऑन कीजिए बेटा पहले, योर माइक इज ऑफ। डन हाँ जी, हो गया बेटा आपका? सर, हाफ आई हैव डन। देन व्हाई यू वाज सिटिंग आइडल, नॉट डूइंग एनीथिंग, लुकिंग हेयर एंड देयर? सर कैलकुलेशन कर रही थी। ठीक है, फटाफट फिनिश कीजिए बेटा। साइड्स आर 7, 9 एंड 14। हो गया बच्चों, 9B सेकेंड बेंच। हाँ यस जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? सेक्शन ए से वही 2-3 बच्चों ने किया है, ऑल अदर आर जस्ट। ठीक है बेटा, ठीक है। हो गया बेटा, 9th ए स्टूडेंट। इतनी लंबी तो कैलकुलेशन नहीं है बच्चों इसकी। देखिए बेटा, अगर नहीं हुआ तो आप लोगों को क्या आंसर आ रहा है बेटा, बताइए जल्दी से जरा। वैन वंडर रूट 5। चेक कर लेते हैं बेटा, ऐसा आ जाएगा इसका 7 प्लस 9 प्लस 14 बाय 2, 15 आ गया। तो एरिया आ जाएगा बच्चे 15 × 15 − 7 × 15 − 9 × 15 − 14। अब यहीं पे फैक्टर लिखते जाओ बच्चे, 15 के फैक्टर हो गए 3 × 5, फ्रॉम हेयर 8 इज देयर, दैट इज 2 × एंड 6, दैट इज 2 × 3 × 1। 2 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का भी पेयर, बट 5 इज लेफ्ट, 3 × 4 = 12 √5। कितनी देर लगी बच्चों कैलकुलेशन में? और आप 10 10 मिनट से लेके बैठे हैं क्वेश्चन को, कैलकुलेशन चल रही है सर। बेटा ये बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, तो ओनली थिंग इज यू नीड टू मेक द फैक्टर्स प्रॉपरली और उसको पेयर करो और सॉल्व कर दो। नो नीड टू डू बाय द लॉन्ग डिविजन मैथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी एज साइड्स एबी, एसी एंड डीसी, ऑन बेस बीसी ए पैरेललोग्राम डीबीसी ऑफ सेम एरिया एज दैट ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज कंस्ट्रक्टेड, फाइंड द हाइट डीएफ ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को समझना आता है।
ये पैरेललोग्राम है बेटा, और दिस इज द ट्राइंगल, इज इट क्लियर? दिस साइड इज 7.5 सेंटीमीटर, दिस इज 6.5, राइट बच्चों? दिस इज, हाँ जी, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? नाउ इट इज गिवन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेललोग्राम? दिस इज ए बी सी, लेट्स से इट इज, इट क्लियर बच्चों? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको गिवन है, इज इट क्लियर? यस सो वी हैव बीन गिवन द साइड ऑफ द ट्रायंगल आल्सो, सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट बेस इनटू हाइट। सो बेस इज गिवन टू अस, सो हाइट वी कैन फाइंड आउट, दिस विल बी द हाइट। सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड देन मेक इट इक्वल टू 7 इंटू h, सो यू कैन फाइंड आउट द हाइट, राइट बच्चों? इज इट क्लियर और नॉट? नहीं क्लियर हो रहा बच्चे, एरिया निकालना आता है आपको, साइड्स गिवन है। बी कितना है आपका? तो जल्दी से आप इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए बेटा, प्लीज फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो बच्चे कर लो, नाइन्थ बेंच, नाइन्थ सेकंड बेंच, क्या बात है, पर्पल शर्ट्स वाले सारे आज पढ़ने के मूड में नहीं है। टेबल पे रखो अपनी बेटा नोटबुक, पर्पल शर्ट सेकंड बेंच नाइन्थ है, टेबल पे रखो अपनी नोटबुक, ऊपर रखे काम करो जरा, मुझे नजर आए क्या कर रहे हो आप। हाँ जी बच्चों, आ गया एरिया, एरिया ऑफ द पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कितना आया बेटा? 21 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 2 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, जल्दी से जरा एरिया निकालिए, 10.5 -6.5 4 -7.5 3 एंड -7 इज, 21 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा बेटा एरिया, यस और नो? एरिया 21 सेंटीमीटर। हाँ जी बच्चे, ऑलमोस्ट उतना ही आना चाहिए, 3.5 × 3 बन गया, सो दिस इज एंड दिस इज सेम, 4 का आ गया 2, तो 21 आ जाएगा बच्चों एरिया, राइट? ठीक है बेटा।
इन दोनों का प्रोडक्ट 10.5 बन रहा है, यस और नो? तो 10.5 इंटू 10.5, 10.5 विल बी देयर एज स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 21। सो आपके पास 21 आ गया। हाइट कितनी आ रही है अब? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। सभी बच्चों के आ गया है? कोई डाउट हो तो बताइए जरा बेटा। तो यहाँ पे 21 पुट किया तो एच कितना आ गया, राइट? यहाँ से जो वैल्यू आई है ना, 21 सेंटीमीटर पुट कर दिया। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में प्लीज टेल मी। एनीथिंग नॉट क्लियर, यू कैन आस्क द क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड गिवन है 4√3 सेंटीमीटर। पी क्यू एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ए, साइड ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्ट। बच्चे हमने एक ट्रायंगल बना दिया, राइट? ठीक है जी। सो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? यस और नो? सर यस। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। हाँ जी बच्चों, देखिए, हैव यू डन मिड पॉइंट थ्योरम? हैव यू डन मिड पॉइंट थ्योरम और नॉट? अभी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, चैप्टर नहीं किया आपने? ओके चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट बच्चों? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चे? साइड कितनी गिवन है अब आपको यहाँ पे? 4√3 मल्टीप्लाइड बाय, इज दिस क्लियर? तो दिस बिकम्स 3 4 12, सो आंसर विल बी, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नाउ व्हेन यू विल डू द दिस मिड पॉइंट थ्योरम इन द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, अब ध्यान से समझना बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड ओनली, यू विल नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट लुकिंग एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू। बट मिड पॉइंट थ्योरम सेज द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मीन्स दी टू टू साइड्स बेटा ए बी एंड ए सी, पी आर इज द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, सो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, मीन्स पी आर विल बी पैरेलल टू बी सी, एंड हाफ ऑफ बी सी मीन्स पी आर इज पैरेलल टू बी सी एंड पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, राइट बच्चों? इज इट क्लियर? एनीथिंग नॉट क्लियर, राइट? एंड वेन एवर वी ड्रॉ अ ट्राइंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, देन दीज 4 ट्राइंगल्स 1 2 3 4, दीज ऑल आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट बच्चों? ये सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। दिस इज क्लियर? मींस जो टोटल ट्रायंगल है एबीसी, द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल इज 4 टाइम द एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्रायंगल। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों?
तो कोई नहीं, अभी सिर्फ इतना क्रैम कर लो, जब आप मिड पॉइंट थ्योरम करोगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। क्या होता है कि जो मिड पॉइंट्स होते हैं बच्चे, राइट, ट्रायंगल जो होते हैं ना, ये वाले फॉर्म हुए, दिस ऑल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है बच्चों। इज इट क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैव इक्वल एरियाज, यस। और जो मिड पॉइंट्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, हेयर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल नहीं भी होता देन आल्सो दिस ऑल फोर ट्रायंगल्स वुड हैव बीन द सेम एरिया। इज इट क्लियर? और नॉट जी, सही बच्चे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? है। ठीक है, तो ये टोटल जो है ना एबीसी ट्रायंगल, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ पीक्यूआर। सो अब हमारे पास इसका एरिया कितना आया था, इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, राइट, मींस वी डिवाइड दिस, वी टेक दिस 4 हेयर, सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, 3√3। इज दिस क्लियर बच्चों? आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट यू हैव नॉट डन, बट व्हेन यू विल बी डूइंग द क्वाड्रिलेटरल, उसकी जो सेकंड चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज है, सो देन दिस विल बी मोर क्लियर टू यू बच्चे, राइट? इज दिस क्लियर? जस्ट क्रैम इट कि अगर मिड पॉइंट जो है ऑफ द साइड्स ज्वाइनिंग फॉर्म्स द ट्रायंगल, दे ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम होता है बच्चे। मींस देखिए, अगर ये पूरा ट्रायंगल है बेटा, इसका ट्रायंगल का एरिया लेट से एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल आल्सो बी एक्स, दिस विल आल्सो बी एक्स, तो टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया बच्चे, 4x हो जाएगा। सही है। ऑल ट्रायंगल का एरिया विल बी 1/4 ऑफ द बिग ट्रायंगल एरिया, यस और नो? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, राइट बच्चों? तो देयरफॉर आवर आंसर विल बी 3√3। सेंटीमीटर। बच्चों नोट कर लो बेटा, ये हो गया, ये करना है अभी बेटा, नोट हो गया या करना है अभी? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर इज K√3। वेरी सिंपल बेटा, आपको दो साइड्स गिवन है एंड पेरीमीटर गिवन है, सो कैन यू फाइंड आउट द थर्ड साइड, व्हाट विल बी द थर्ड साइड बच्चों? ये हो जाएगा, सो सी विल बी इक्वल टू 32 माइनस 11 प्लस 8, हाउ मच इट कम्स टू, 13 सेंटीमीटर, राइट बच्चों? यस और नो? सो कैन यू फाइंड आउट द एरिया नाउ, व्हाट विल बी द सेमी पेरीमीटर, 32 अपॉन 2, इट कम्स आउट टू बी एस 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13। ठीक है बच्चों, इट यस। कम्स आउट टू बी 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट जी? सो ये तो 16 तो 4 आ जाएगा, 8 के फैक्टर्स बन जाएंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 3, ये दोनों भी आपके बाहर आ गए 1 एंड यू आर लेफ्ट विद दिस, और ये किसके इक्वल है बच्चों?
रूट 30 के, इज इट क्लियर? व्हाट सही विल बी द वैल्यू ऑफ के नाउ? है ए। 8। ठीक है बच्चों, सो वैल्यू ऑफ के इज इट क्लियर? कोई यस डाउट किसी स्टूडेंट को बेटा? एनी डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? तो चैप्टर क्लियर हो गया बेटा ये आप लोगों को? वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक्स इन योर सिलेबस, राइट? एक ही फॉर्मूला है और उसी को आपको यूज करके क्वेश्चंस करना है। इज दिस क्लियर बच्चों? नाउ यू हैव अदर क्लास आल्सो, साइंस की क्लास भी है बच्चों आपकी? ओके, पता लेट मी चेक। सो टिल देन इट्स बाय फ्रॉम मी। थैंक यू टीचर्स, थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स। सर साइंस की लगनी नहीं हो। सर साइंस की क्लास लगेगी। हाँ जी क्लास 9 बेटा मुझे ये बताओ, इज हिरॉन्स फॉर्मूला क्लियर टू यू? मैम सारा क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन कर लिए अब आपने। छोटा सा तो चैप्टर है, राइट? ठीक है, इसके बाद आपने कौन सा चैप्टर शुरू किया हुआ है? सर्कल्स। सर्कल। अच्छा, एक सर्कल्स है, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, राइट? दो चैप्टर्स है आपके कि सिर्फ सर्कल्स ही है? मैम सर्कल ही है। आई थिंक वो फिर जो है, ठीक है, ठीक ये हमारा रूल रहेगा, समझ आ गया तो राइट हैंड, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, और कुछ वेरी गुड वेरी गुड। कुछ और सबसे खास बात, कोई भी मन में कोई क्वेश्चन हो प्लीज कम ऑन द माइक एंड स्पीक बोल्डली विदाउट हेजिटेशन, राइट? तो हम ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को आगे मजबूत करते हैं, कीपिंग अवर सेल्फ कन्फाइंड टू द सिलेबस। सभी बच्चे लिखो शाबाश, ग्रेविटेशन रिविजिट, ग्रेविटेशन रिविजिट हेडिंग दे देंगे। देखें अब मैं ये देखना चाहता हूं क्लास में कि किस बच्चे की प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है। अभी अभी मैम मेरा नाम बताकर गए थे, कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज माय नेम? शाबाश, एनीबॉडी ऑन माइक? कौन से फैकल्टी पढ़ाने लगे हैं बेटे आपको? सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके बेटे, लेट मी चेक। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, ये मेरे पास माइक है, इसको बोलते हुए मैं माइक को अपने हाथ में ही पकड़ लूंगा। मेरा ख्याल अब तो मैं ऑडिबल हूं अगर माइक को हाथ में पकड़ लूं। यस और नो, एम आई ऑडिबल नाउ? आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? रिकॉर्डिंग भी बंद ऑन कर देते हैं। एक मिनट चेक करवाते। हेलो हेलो बेटा, हमारी वॉइस हाँ यहाँ से ठीक जा रही है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर, हैंड रेज करो, आवाज आ रही है तो बस ठीक है। ठीक तो आ रही सर, आवाज पहले कह रहे। नहीं, हमने यहाँ से चेक करना है, हमारी आवाज आ रही है ना? ऊपरी की ओर
बेटे हमारे स्क्रीन के ऊपर जो सिंबल आ रहा है माइक का, ठीक है ठीक है, इट कन्वेज द मैसेज दैट द डिलीवरी ऑफ वॉइस फ्रॉम आवर साइड इज करेक्ट। ओके, तो सभी बच्चे अब ध्यान से सुनेंगे। ग्रेविटेशन, डेट डाल दो शाबाश, हेडिंग डालो, हरी अप हरी अप। फर्स्ट पॉइंट बच्चे, कौन बच्चा ऐसा है जो मेरे को इसमें से फर्क बताएगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? कौन बताएगा शाबाश? जिन बच्चों के बेंच पे माइक बैठ लगा हुआ है वो आपस में डिस्कस करके बताओ अगर पता है। डिस्कस म्यूचुअली, जिन बच्चों के बेंच पे माइक रखा हुआ है उस लाइन के सारे बच्चे आपस में डिस्कस करो और बताने की कोशिश करो। नहीं बता पा रहे हैं। सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं पढ़ा। सुनो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो यूनिवर्सल ही लॉ होता है, उसी का दूसरा नाम है। ध्यान से सुनो अभी दोनों में फर्क, शाबाश, योर अटेंशन। अगर आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो तो मैम ने आपको ये फार्मूला करवाया, यस या नो बोलो, करा सर दो। और ये ऐसा फिगर भी बनाया था, इस मास को M1, इसको M2, और ये बनाया था, ठीक है। अब ये तो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें ये दोनों मासेस कोई भी हो सकते हैं, एनी टू मासेस। लेकिन जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं तो फार्मूला तो यही लगेगा, पर दोनों मासेस में से M1 और M2 में से कोई एक मास अर्थ का होना जरूरी है। मान लो M2 इज ऑफ अर्थ और यहां पर M1 और M2 एनी टू मासेस, एनी टू मासेस। अगर दोनों मासेस कोई भी हो, चाहे एक टेबल है, एक चेयर है, एक सन है, एक मून है, जो मर्जी मासेस हो, तब तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाए। ओके और अगर दोनों मासेस में एक मास कंपल्सरीली अर्थ का हो, तब वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन की बजाय ग्रेविटी। गॉट इट? लर्निंग पॉइंट बनाते जो, ये पहला लर्निंग पॉइंट है, सीरियल बनाते जो, बस लर्निंग पॉइंट वन। शाबाश, बना लो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये फिगर मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए बनाया है, M1 M2, ये तो इस फिगर में मैंने जानबूझकर एक मिस्टेक करी है, जानबूझकर एक मिस्टेक करी है, कौन बच्चा इस मिस्टेक को पकड़ के दिखाएगा? शाबाश, स्पीक आउट। सर जो आपने डिस्टेंस बनाया है वो सेंटर से नहीं लिया है। वेरी गुड वेरी गुड, कौन सा बच्चा है इसको फुल मार्क्स? ये बच्चे को बताना होगा कि सर ये R1 और R2 ना आपने गलती से सर्फेसिस के बीच में बना दिया, जबकि रूल कह रहा है दोनों मासिस के सेंटर्स में से होना चाहिए। तो इस व्हाइट वाले को हम आर डैश कह देते हैं, आर डैश जो कि गैप बिटवीन सर्फेसिस है वो गलत है, आर जो कि गैप बिटवीन दी सेंटर्स है वो लगाना है इस फॉर्मूले में, वो सही। शाबाश, बिल्कुल सही, येलो वाला सही है और व्हाइट वाला गलत। गॉट इट? व्हाइट वाला रॉन्ग है बेटे, उसको मैंने आर डैश लगाया और नीचे वाले को मैंने येलो करा बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ मास। लिख लो ये इंस्ट्रक्शन, सेकंड पॉइंट, सेकंड लर्निंग पॉइंट।
इस फॉर्मूले में इस आर से हेडिंग एरो लगा के लिखो, शाबाश। आर शुड बी द स्ट्रेट लाइन गैप बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ टू मासेस। लिखो बच्चे लिखो, भूल जाना आपने। सेकंड लर्निंग पॉइंट, आर डे आर आर से एरो लगा के, आर शुड बी द स्ट्रेट लाइन गैप बिटवीन सेंटर्स ऑफ मासिस एम वन एंड एम टू, बिटवीन सेंटर्स ऑफ मासिस एम वन एंड एम टू। ओके, अब मेरे को एक दूसरा पॉइंट बताओ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मेरे पास दो मैग्नेट्स हों, उनको पास पास लगाने से वो एक दूसरे को रिपेल करें? मैं उनको पास ला रहा हूं और वो रिपेल करें, इज इट यस पॉसिबल अमंग मैग्नेट्स? यस यस, क्योंकि नॉर्थ पोल अगर मैं पास पास लाऊंगा और रिपेल करेंगे। अगर मैं एक मैग्नेट को घुमा दूं और तो साउथ और नॉर्थ जब पास लगाऊंगा तो मैं ऐसे धीरे ला रहा हूं, पास आने पर एकदम से चिपक जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मासिस के बीच में होता है, क्या ये रिपल्सिव हो सकता है कभी? बोलो। हेलो देखो पॉइंट, देखो इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो भी रिपल्सिव अट्रैक्टिव होते हैं, मैग्नेटिक रिपल्सिव अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल सिर्फ अट्रैक्टिव होते हैं। लिखो, मैं लिखाता हूं, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस, थर्ड पॉइंट आ गया, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं ना, बेसिकली दे आर चीटिंग देमसेल्फ, सोच रहे हैं कि हम पेपर तक ऐसे ही याद रख लें, जबकि उनको यह भी नहीं पता होगा कि 4 दिन पहले वो जब फंक्शन पर गए थे तो कौन सी ड्रेस डाली होगी। नेवर चीट योर सेल्फ, नेवर बिलीव योर, ऐसे के मेमोरी में याद रहेगा। लिख लो, क्या लिखा है टीचर ने, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। शाबाश। एक पॉइंट और मैं पूछता हूं, अगर नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। इसके अंदर टीचर ने एक कैपिटल जी सिंबल लिखा है, इसका नाम मैं ही लिख देता हूं, यूनिवर्सल। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बस आपने इसकी वैल्यू बतानी है, मैं बताओ। सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू 10^-11। ना, गलत। जब तक आप यूनिट नहीं बोलते तो गलत न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ना, पर केजी स्केल, केजी नीचे आना बेटे, पर नहीं बोलोगे तो खत्म। या तो पर केजी ऐसे लिखते हैं यूनिट, या अगर जो डिनोमिनेटर में आता है उसको ऐसे लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी के ऊपर -2 होना। ओके, न्यूटन मीटर पर के, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब है सबसे खास बात, कौन बच्चा बताएगा ये जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती, इसके आगे यूनिवर्सल वर्ड क्यों लगा? यूनिवर्सल वर्ड क्यों लगा? सर, बिकॉज इट्स वैल्यू रिमेन सेम इन एवरी प्लैनेट इन यूनिवर्स। नॉट एवरी प्लेनेट, ऑन एवरीथिंग, चाहे वो स्टार हो चाहे सैटेलाइट हो, आप कहोगे जी वैल्यू इज सेम फॉर एनी टू मासिस इन होल ऑफ द यूनिवर्स, चाहे गैलेक्सी वर्सेस गैलेक्सी मासिस हो, चाहे टेबल वर्सेस चेयर मास हो,
कुछ भी हो, चाहे स्टार वर्सेस स्टार हो, चाहे स्टार वर्सेस प्लेनेट हो, चाहे मून वर्सेस सन हो, लिखो शाबाश। यूनिवर्सल मीन्स सेम फॉर एनी टू मासेस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्सल मीन्स इक्वली एप्लीकेबल फॉर एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखते हैं दोनों क्लासों में से कौन बच्चा इसका जवाब देता है। जो जवाब दे देगा वो जीत जाएगा, और आपस आपका अपने क्लासमेट से भी कंपटीशन। देखते हैं दोनों क्लासों में कौन जीतता है इस क्वेश्चन। बेटे मेरे पास मान लो 10 kg मास है, 10 kg। मैंने बोला एक बच्चे को इसके टुकड़े कर दो, उसने एक छोटा टुकड़ा ना, उसने ऐसे टुकड़े बना दिए, एक टुकड़ा और एक टुकड़ा। कहता सर बराबर के करूं या आधे करूं या कम करूं। मैं कहा तुम्हारी मर्जी, तुमने इसके दो टुकड़े करने हैं, लेकिन एक शर्त है कि इनके सेंटर्स के बीच में गैप चेंज नहीं करना, वो फिक्स है। मैंने आर की वैल्यू दे दी, मान लो 10 मीटर दे दी, ये नहीं चेंज कर सकते तुम। कहता सर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लूं 1 और 9। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, 1 प्लस 9 10 बनता है, चाहे 2 प्लस 8 कर लो, चाहे 3 प्लस 7 कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। सर आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैं इस एम को M1 और M2 कैस के दो वैल्यूज कैसी आएंगी तोड़ने के बाद दो हिस्सों में, ताकि ये फोर्स मैक्सिमम हो जाए। ये मेरा क्वेश्चन। इनटू व्हाट टू पार्ट्स द 10 kg मास शुड बी ब्रोकन सच दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू मासेस बिकम्स मैक्सिमम। शाबाश, कंपटीशन बिटवीन बोथ क्लासेस। कौन जवाब देगा? दो एक 10 किलो के मास को कौन कौन से दो हिस्सों में बांटूं, कितनी कितनी वैल्यू होगी M1 और M2 की, ताकि उनमें जो फोर्स हो वो मैक्सिमम हो जाए। आर की वैल्यू फिक्स है। शाबाश, बेस्ट बच्चा होएगा जो जवाब दे देगा दोनों क्लासों में से, बेस्ट ब्रेन वाइज। इनटू व्हाट पार्ट्स द 10 kg मास शुड बी ब्रोकन M1 M2 वैल्यूज आर व्हाट सच दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन M1 एंड M2 इज मैक्सिमम। एक भी बच्चा नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है बेटे 100 बच्चों में से। हंड्रेड स्टूडेंट्स और स्मॉल क्वेश्चन। फिर से बोल दूं, 10 किलो के भार को, 10 किलो के मास को M1 और M2 कौन कौन से दो हिस्सों में ब्रेकअप करूं, M1 और M2 की वैल्यूज क्या क्या होंगी, कि उनको 10 मीटर की दूरी पर रखने पर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो। ये तो मैं उदास हो गया बच्चे, 100 बच्चों में से अगर एक भी जवाब नहीं दे पाता ना तो वेरी सैड। सुनो आप इधर देखो, अब मैं इसका आंसर दूंगा, तुम कहोगे ओ ये भी नहीं सोच सके। यू विल से योर सेल्फ, लिसन, जब मैम ने आपको पढ़ाया था तो उन्होंने फोर्स का फार्मूला ये लिखा है, यहां से पता लगता है कि फोर्स और मासेस की मल्टीप्लाइकेशन दोनों न्यूमरेटर साइड में। इसका मतलब जितना मासेस की मल्टीप्लाइकेशन ज्यादा होगी उतना फोर्स ज्यादा होगा, और दूसरा ये डिस्टेंस और फोर्स रेसिप्रोकली है, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में। इसका मतलब
डिस्टेंस से ये फोर्स इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली मतलब आर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और ये दोनों डायरेक्टली हैं क्योंकि एम वन एम टू भी न्यूमरेटर में है, फोर्स भी न्यूमरेटर में है। इसका मतलब यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एम वन और एम टू की मल्टीप्लीकेशन अगर बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा, पर इधर आर के बढ़ने से फोर्स घटता है। ओके, अब आपने 10 kg के पार्ट्स करने थे। अगर आप ये दोनों पार्ट्स करते हो, देखो टोटल 10 बनता है, लेकिन जब इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे एम वन और एम टू की, एम वन और एम टू की, तो 9 ही बनेगी। इसका मतलब यहां मल्टीप्लीकेशन करोगे 2 और 8 10 तो बन गया, लेकिन मल्टीप्लीकेशन इनकी कितनी बनेगी, 16। यहां मल्टीप्लीकेशन कितनी बनेगी, 21। तो जितनी मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगी उतना फोर्स ज्यादा। आप कुछ आंसर दे सकते हो, टू एंड फाइव 2 एंड 5? 2 एंड 5 में तो मल्टी बेटे दोनों, टू टू एंड फाइव, अगर 2 एंड 5 लोगे तब तो इसका टोटल 10 बना ही नहीं। टोटल ऐड करने में 10 बनना चाहिए, ऐड करने में 10, मल्टीप्लाई में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये किसी बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, पीछे बैठा है कोई बच्चा, आई डोंट नो, जिस भी बच्चे ने बताया उसको शाबाश बेटे। 5 एंड 5 में टोटल तो 10 बन गया, लेकिन उनकी मल्टीप्लाइकेशन 25, तो मल्टीप्लाइकेशन के ज्यादा होता ही फोर्स ज्यादा। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, कंक्लूजन, अगर गिवन मास को बराबर बराबर के हिस्सों में तोड़ेंगे तब उसमें फोर्स दोनों टुकड़ों में मैक्सिमम होगा। लिखो शाबाश, अ गिवन मास, शाबाश शाबाश, जल्दी लिखो, अ गिवन मास व्हेन ब्रोकन इनटू इक्वल टू पार्ट्स, अ गिवन मास व्हेन ब्रोकन इनटू इक्वल टू पार्ट्स, कॉमा कॉमा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकम्स मैक्सिमम द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकम्स मैक्सिमम प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मैंने बेशर्ते के, प्रोवाइडेड गैप बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ मासेस रिमेन द सेम, गैप बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ बोथ मासिस डज नॉट चेंज या रिमेन द सेम। लेकिन अगर ये आंसर आप मेरे हिंट देने से पहले खुद दे पाते, जैसे कि एक और स्कूल के बच्चों ने दिया, तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता। एनी हो, लेट्स प्रोसीड। अब सभी बच्चे यहां तक जितना टीचर ने कराया, अगर वहां तक समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट, कुछ भी डाउट है तो लेफ्ट खड़ा करो, एक हाथ जरूर खड़ा कर, चलो डाउन, शाबाश। सो मैक्सिमम बच्चों ने हमने देखा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, और कैपिटल जी का मतलब यूनिवर्सल होता है, पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू सेम होता है, और कैपिटल जी की वैल्यू बताते वक्त यूनिट्स साथ में बोलने हैं, और हमने देखा कि एक गिवन मास को बराबर के हिस्सों में बांटने से फोर्स मैक्सिमम होता है, करेक्ट। आप ध्यान से सुनो, योर अटेंशन, योर अटेंशन, आपने एक सिंबल और सुना होगा, स्मॉल जी। Yes. क्या ये स्मॉल जी और कैपिटल जी सेम होते हैं? No. दे आर अनइक्वल। इसका नाम तो हम लिख चुके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, Constant. लेकिन स्मॉल जी का क्या नाम है? Acceleration due to gravity. बहुत अच्छे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू भी बता दो।
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। अब असली बात, जो सबसे खास क्वेश्चन है जिसकी वजह से मैं ये शुरू करा, आप इसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हो? पहला क्वेश्चन, उसका मेथड क्या है, ये कैसे पता लगा इसकी वैल्यू 9.8 है? दूसरी बात, कैपिटल जी की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो किसके द्वारा पता करी गई थी? वैल्यू फाउंड बाय विच साइंटिस्ट? कैपिटल जी की वैल्यू आप लोगों ने बिल्कुल सही बताई, लेकिन किसने पता करके बताई? सर हाँ जी, कैवेंडिश। न्यूटन, वर्ड न्यूटन ने लॉ जरूर दिया था, लेकिन वैल्यू इसकी जी की कवेंडिश ने कवर करी थी। बिल्कुल, कवेंडिश लिख लेना, कवेंडिश। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कि सर इसकी वैल्यू 9.8 ये निकली कैसे? तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले। मीनिंग, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? आपने देखा बाइक पे भी एक्सेलरेटर लगा होता है, कार में भी एक्सेलरेटर लगा होता है। तो एक्सेलरेटर का मतलब होता है गति बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, वेलोसिटी बढ़ाना। इसीलिए एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनो, मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं अगर इसको ड्रॉप कर दूं तो ये जमीन की तरफ गिरता गिरता तेज होता जाएगा। तो उसकी वेलोसिटी में जो बढ़ोतरी हुई, किस हिसाब से बढ़ोतरी हुई, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। ये आपने मोशन के चैप्टर में पढ़ा होगा। पर अपना क्वेश्चन क्या है, ये कैसे आया? आप सुनो ध्यान से, पहले तो ये बताओ, कोई भी बच्चा 100 स्टूडेंट में से कोई इसका जवाब दे सकता है? अबाउट 100 स्टूडेंट्स आर लिसनिंग माई लेक्चर, यस एनीबॉडी? इसकी वैल्यू ये कैसे आई? पहले इसके फॉर्मूले की ड्राइवेशन थी, फिर फॉर्मूले में फिर वैल्यू इसको दी थी। फॉर्मूला क्या बना था इसका बताना। फॉर्मूला अच्छा तो ये बच्चा जो भी बोल रहा था अभी, मतलब 100 में से 30% आंसर दे दिया इस बच्चे। अब सुनो ध्यान से, शाबाश, योर अटेंशन बेटे, ध्यान से सुनना। अगर ये अर्थ हो, योर अटेंशन, अर्थ, उसका मास आ गया कैपिटल एम, ये उसका सेंटर है। उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा कोई और बॉडी रख दिया, वो स्मॉल एम है। आप अज्यूम करो अर्थ के ऊपर छोटा सा फुटबॉल रख दिया, गॉट इट? ध्यान से सुनो, अब फुटबॉल के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक का ये जो गैप है, ये किसके बराबर होएगा? इसके बराबर होएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस प्लस, नहीं सॉरी, फुटबॉल का रेडियस प्लस अर्थ का रेडियस। देखो, फुटबॉल का रेडियस इतना सा होएगा, अर्थ का रेडियस होएगा इतना, दोनों का टोटल करके। पर फुटबॉल का रेडियस अर्थ के रेडियस के मुकाबले नेग्लिजिबल है, अर्थ का रेडियस तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली अर्थ का रेडियस ही मान लेते हैं। ओके, रेडियस। उसके बाद अब अगर मेरे पास दो मासेस पड़े हैं एम वन और एम टू, तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होएगा? जी एम वन एम टू, और उनके सेंटर्स में गैप कितना अर्थ के रेडियस के बराबर? ये आ गया। इतने फोर्स के साथ फुटबॉल अर्थ की तरफ खींचेगी, या दूसरे शब्दों में अर्थ फुटबॉल की तरफ खींचेगी? दोनों सही है। इतने फोर्स के साथ फुटबॉल अर्थ की तरफ खींचेगी। फुटबॉल हमने एग्जांपल लिया है, कोई और मास भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर छोटी क्लासों में आप याद करो, आपको करवाते थे डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, तो हम मास से वेट कैसे निकालते थे? तो
तो मैम आपको बोलते थे वेट इज दैट फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये डेफिनेशन होती थी वेट की। सभी बच्चों ने रट्टा मारा होगा शायद। वेट इज दैट फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट? तो वेट की डेफिनेशन क्या बनी? मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो। फुटबॉल के मास को 9.8 से मल्टीप्लाई करा तो ऐसे होता था वेट। वेट की यूनिट क्या यूज करते बनाते थे? न्यूटन। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ये फर्क होता था ना छोटी क्लासों में, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। अब सुनो ध्यान से, ये वेट को क्या बोल रहा है टीचर? फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ फोर्स। तो यही तो वो फोर्स है, न्यूटन्स नहीं तो न्यूटन्स ला नहीं तो वो फोर्स दिया। इसका मतलब ये दोनों एक ही चीज है, बताने का तरीका अलग अलग। वेट और न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स इन दोनों बॉडीज में सेम हो। जब मैंने इनको इक्वेट करा तो फुटबॉल का मास जो था दोनों तरफ से कैंसल हो गया, तो यहां पर स्मॉल जी आ गया। किसके बराबर? कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस, मास ऑफ द अर्थ और ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये वो फार्मूला बन गया जिसको ये गुड़िया अभी अभी बोल रही थी कि सर फार्मूला ड्राइव करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। शाबाश। इसी में अब जी की वैल्यू आपको पता है कितनी बच्चे? 6.67 × 10⁻¹⁺ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है एग्जैक्ट वैल्यू में? 6373000 मीटर। कोई बच्चा कहता है सर हमें तो मैम ने 6400 किलोमीटर लिखाया है। वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट। मैंने एग्जैक्ट बोली। अभी इंटरनेट पे इन्होंने और भी करेक्ट कर दिया, A3 की बजाय अब इसकी जगह 1 लिखने लग गए, और भी एक्यूरेट। ओके, 6373 किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए 3 लगाए, मीटर 3 जीरोस। मीटर क्यों लिया? इंटरनेशनल यूनिट यूज करना। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है बेटे? 5.98 × 10⁴ kg, 24 kg। वैल्यूज याद होनी चाहिए? नहीं याद तो लिख लो, लिख लो ये वैल्यूज। जब आप इन वैल्यूज को लिखोगे और कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे बेटे, तो इस फार्मूले का जो आंसर निकलेगा ना वो 9.8। शाबाश। ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? जिसके ऊपर टीचर व्हाइट कलर से टिक लगा रहा है। एक, सॉरी ये व्हाइट क्यों नहीं आया? एक वैल्यू अर्थ का मास, दो वैल्यू अर्थ का रेडियस, तीन वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चार वैल्यू। इसके बिना आपका गुजारा नहीं है सर। सारे बच्चे लिख लो ये वैल्यू। ये वो मेथड है। कौन सा मेथड? वेट को न्यूटन्स फोर्स से इक्वेट करने पर एम से एम, मास ऑफ फुटबॉल मास ऑफ फुटबॉल से कैंसिल हो गया, तब जाकर ये फार्मूला बना। और उसमें जब डेटा रखते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 निकलती है। क्या सभी बच्चों को ये समझ आया कि इसकी वैल्यू 9.8 कैसे निकलती है? इफ यस प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड, इट गिव्स मी एन इंडिकेशन। थैंक यू। नाउ किसी को नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड वेव करो बच्चे, विदाउट हेजिटेशन। गुड जॉब, बहुत अच्छा पिकअप है। और इसका क्रेडिट जाता है आपके ब्रेन को, इतना अच्छा ब्रेन। टीचर ने एक ही बार बताया और समझ आ गया। और इससे भी ज्यादा क्रेडिट ना मेरे को जाता है, ना आपको जाता है, ना आपके पेरेंट्स को जाता है। जानते हो किसको जाता है? जो दो टीचर आपकी क्लास में इस वक्त ड्यूटी दे रहे, जो जिन्होंने इतना बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन करा हुआ, उसकी वजह से ये डिलीवरी ऑफ नॉलेज हो रही है। सबसे ज्यादा क्रेडिट उनको जाता है।
अगर वो दोनों 2 मिनट के लिए बाहर चले जाए तो मैं पढ़ा नहीं सकता, आपको पता ही है क्यों। शाबाश बेटे, आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। देखो हमने एक पिछला पेज करा था, देखो इससे भी पहले हमने ये पढ़ा था, ये सारा इससे भी पहले ये पढ़ा था। देखो क्विकली रिव्यू कर दो मेंटली, इसमें क्या क्या बताया था सर ने, आर के बारे में प्रिकॉशन बताई थी, इसमें पर पर नहीं बोला था आप लोगों ने। आगे सुनो, ये देखो टीचर ने बोला था कि जब मासिस की प्रोडक्ट बढ़ती है तो बढ़ता है रेजिस्टेंस, गैप बढ़ेगा तो घटेगा स्केयर होने की वजह से। ध्यान से सुनो यहाँ पर, अगर 2 मासिस में मैं डिस्टेंस डिस्टेंस डबल कर दूं तो फोर्स 2 का स्केयर कितना होता है, स्केयर देखो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। कोई बच्चा कहता है सर लिख के बता दो, लिखने का मतलब यह है अगर M1 और M2 में मान लो पहले गैप था 10 मीटर, मैंने इस गैप को बढ़ाकर 20 मीटर कर दिया, 20 मीटर डबल कर दिया, और यहां पर फोर्स था मान लो 100 न्यूटन। तो जब मैं इसको डबल करता हूं ना, डबल डबल से 2 उठा लेना, 2 का स्केयर कर दो स्केयर, तो उतने गुना इसका फोर्स कम हो जाएगा, तो नया वाला जो फोर्स होएगा ना एफ डैश वो पुराने फोर्स का 1/4 होएगा, यानी 100 डिवाइडेड बाय 4 यानी 25 न्यूटन रह जाए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर। कोई बच्चा कहता सर अगर मैं इसको 10 की बजाय 30 मीटर कर देता, 30 30, तो मैंने मैं पूछता कितने गुना बढ़ाया डिस्टेंस। मैम ये येलो स्टूडेंट्स को बाहर कर दो क्लास से, सेकेंड लाइन 9th A में कॉर्नर में बैठा जो बच्चा, आई डोंट वॉन्ट टू टीच दिस स्टूडेंट। ये रेड रेड शर्ट वाले बच्चे के साथ बैठा जो, अब बैठ जाओ अभी, इस बार मैं माफ करता हूं, अगली बार मैं माफ नहीं करूंगा, और फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप करूंगा प्रिंसिपल। अगर कोई बच्चा बोले सर मैं 10 मीटर की बजाय 30 मीटर कर दूं, तो मैं उससे पूछूंगा कितने गुना बढ़ा दिया डिस्टेंस, सर 10 20 33 टाइम्स बढ़ा दिया, तो 3 का स्केयर कर दो, 3 का स्केयर कितना आएगा 9, तो 100 को फिर 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, उतने गुना कम हो जाएगा। ओके ध्यान नहीं है अभी भी, शाबाश। फिर से सुनो, अगर कोई बच्चा बोले सर इसको मैं 10 की बजाय 40 कर दूं, 40 मीटर, तो कितने गुना फोर्स कितने गुना डिस्टेंस बढ़ा दिया, 4 टाइम्स, 4 का स्केयर कर दो 16, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, 100 को 16 से डिवाइड करना, इज दैट क्लियर। यस ये ऐसे होते हैं, तो ये भी हमने सीख लिया। उसके बाद हमने ये भी देखा था, देखो कुछ और यार, ये भी हमने समाज जी की वैल्यू देख ली थी, अब नई चीज सीखते। शाबाश, योर अटेंशन, ध्यान से सुनना बेटे, आपको पता है ये हमारा अर्थ है राइट, और ये अर्थ का रेडियस हो गया, लेकिन आपको पता है कि इसके इर्द गिर्द हमारा एक सैटेलाइट घूम रहा है, नेचुरल सैटेलाइट मून सर्कल में, जिस ट्रैक के ऊपर ये घूमता है उस ट्रैक को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट। ये ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है बेटा, अर्थ के सेंटर से लेकर मून के सेंटर तक ये जो गैप होता स्मॉल आर, स्मॉल आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट।
कैपिटल आर को बोलेंगे रेडियस ऑफ द प्लेनेट यानी अर्थ। अब मेरा क्वेश्चन है बच्चे आपसे, जब ये इसके ऊपर घूमता है मून ऑर्बिट पे, तो ऑर्बिट पे जाते हुए उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रखनी पड़ती है, उसका नाम होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, वी के पैर में और ऑर्बिटल। तो इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम कैसे निकालते हैं? शाबाश, क्वेश्चन क्वेश्चन 200 स्टूडेंट्स, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, इसको कैसे निकालते हैं? एनीबॉडी, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर कॉन्फिडेंट, प्लीज कम ऑन द माइक। 100 स्टूडेंट्स, ओपन क्वेश्चन। बताओ जरा, नहीं बता पा रहे तो देखो, अब ध्यान से सुन लो, योर अटेंशन। फर्स्ट पॉइंट बच्चे, जब भी कोई एक चीज दूसरी चीज के इर्द गिर्द घूमती है, कोई एक चीज दूसरी ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, तो उसको एक फोर्स चाहिए होता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल। फोर्स। ओके, और उसका अपना फार्मूला आता है घूमने वाली चीज का मास उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर और ऑर्बिट के रेडियस से डिवाइड करना, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अगर घूमने वाली चीज को ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिले तो वो सर्कल में घूम ही नहीं सकती, पक्का रूल है। सेकंड पॉइंट बच्चे, सेकंड पॉइंट सुनो, सेकंड पॉइंट क्या है? इस फोर्स की खूबी यह है कि ये अंदर को लगता है, ऐसे मेन मास की तरफ को लगता है, अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर, एफ सी पी सेंट्रीपिटल। दूसरा मैंने बताया एफ सी पी जो होता है सेंट्रीपिटल, अलोंग रेडियस, रेडियस के अंदर को टुवर्ड सेंटर। तीसरी खूबी, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी खूबी, ये फोर्स अपने आप जेनरेट नहीं कर होता, इसको कोई दूसरा फोर्स प्रोवाइड करता है, कोई दूसरा फोर्स इसको देता है पैदा करके। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एफ सी पी इज गिवन बाय सम अदर फोर्स। लिख लो सारे पॉइंट। अगर ऐसी बात है तो जरा हम सीख ही लें कि क्या है, ध्यान से सुनो, अब इंपॉर्टेंट बात है, सारे बच्चे थोड़ी देर के लिए पेन रोकेंगे। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जानते हो कौन देता है? अर्थ और सैटेलाइट के मास के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो न्यूटन ने बताया था, वो प्रोवाइड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को आपस में इक्वेट किया जा सकता है। लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट। कौन सा आर्टिकल कर रहे हैं हम? ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो स्मॉल एम कैंसिल हो गया बेटे, तो स्मॉल एम कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? वी स्क्वेयर अपॉन आर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। गौर से देखो, इसमें एक आर भी कैंसिल हो गया, उसके बाद का क्या स्टेप होएगा? वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर।
ये वो फार्मूला है विद अंडर रूट। अंडर रूट क्यों? क्योंकि वी का स्केयर है, स्केयर को हटाने के लिए अंडर रूट लेना पड़ता है, ये तो आपको पता होगा अगर मैथ आता है। देखो इधर आर का स्केयर है, इधर आर है, एक आर कैंसिल हो गया। ये वो फॉर्मूला है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है। नोट कर लो सारे बच्चे, इसमें जी आपको पता है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम क्या है मास ऑफ द सैटेलाइट, आर क्या है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और हैरानी वाली बात देखो, अगर मैं आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लूं कि डज द ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द मून, तो आपको बोलोगे सर आपके फार्मूले में मास ऑफ द मून तो है ही नहीं, वो तो कैंसिल हो गया था आपका। तो फाइनल फार्मूले में मास ऑफ द मून है ही नहीं। इट मींस यू विल से इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट, चाहे मून हो चाहे मैन मेड छोटी सी सैटेलाइट हो, सभी के किसी के मास के ऊपर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं करेगी। लिख लो शाबाश, ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट। एक और चीज देखो, ध्यान से देखो इधर, योर अटेंशन बेटे, ऑर्बिटल वेलोसिटी न्यूमरेटर में है, कैपिटल एम भी न्यूमरेटर में है, कैपिटल एम न्यूमरेटर में, इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द प्लेनेट। कोई बच्चा कहता है सर आपका कहने का मतलब यह है कि देखो अर्थ के मुकाबले अगर हम दूसरा प्लेनेट ले लेते हैं जुपिटर, जुपिटर का मास तो बहुत ज्यादा है, तो जब मास बढ़ जाएगा तो उसके घूमने वाली जो जुपिटर की सैटेलाइट है तो वो ज्यादा तेजी से घूमेगी, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी। फिर इस फार्मूले से तो यही लगता है, द आंसर इज यस। जितना ज्यादा प्लेनेट का मास ज्यादा होता चला जाएगा उतना उसके इर्द गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। लिख लो शाबाश, हरी अब इस फार्मूले के नीचे लिखना, मोर द मास ऑफ द प्लेनेट, मोर द मास ऑफ द प्लेनेट लार्जर विल बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी, लार्जर विल बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इट्स सैटेलाइट। फिर से बोलता हूं, मोर द मास ऑफ द प्लेनेट लार्जर विल बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। एक और सुनो बेटे ध्यान से, जितना आर ज्यादा होएगा ना आर ऑर्बिट, उतना वेलोसिटी कम होएगी। लिख लो, मोर द ऑर्बिटल वेलोसिटी इफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज लेसर, मोर द ऑर्बिटल वेलोसिटी इफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज लेस। बस आज का इतना ही लेक्चर हम लेंगे। लिख लो इस पॉइंट को, मोर द ऑर्बिटल वेलोसिटी इफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज लेसर। जितने बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, शाबाश, लाइक दिस। चलो बाकी कल का करेंगे हम, ठीक है बेटे? बेटर होगी ना अंडरस्टैंडिंग आपकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू स्वीट थैंक स्टूडेंट। यू सर। नाउ सिट इन योर सीट एज यू सिट इट 9C क्लास यू बैक टू योर क्लासेस है ना, मेक अ लाइन।
थैंक यू।